ट्रैवलॉग क्या होता है, इंग्लिश लिटरेचर को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में आज हम लोग इसका हिंदी और इंग्लिश में अर्थ और मतलब समझेंगे। आम बोलचाल में ट्रैवलॉग को हम किस तरह से अपने डेली यूज में लाते हैं उसके बारे में भी जानेंगे, लिटरेचर में इसका एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए क्या है यह ट्रैवलॉग। देखिए ट्रैवलॉग जो है एक लिटरेरी जनरा है, मतलब लिटरेरी के लिटरेचर के कैटेगरी में ही आता है। एक ट्रैवल राइटिंग है, अ लिटरेरी टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, हम लिटरेचर में यूज करते हैं और इंग्लिश लिटरेचर में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रैवलॉग वर्ड कहाँ से आया है। देखिए वर्ड ट्रैवलॉग जो है ये हाइब्रिड है और इसको क्वाइन किया था एक ट्रैवलर ने, बर्टन होम्स ने, जिसकी पैदाइश 1870 से 1958 में हुई थी। देखिए ट्रैवलॉग जो है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब ट्रैवल प्लस ग्रीक ड्राइव वर्ड लॉग, जिस तरह से हम बोलते हैं मोनोलॉग, तो उसी के बेस पे लॉग, मोनो का मतलब होता है अलोन और लॉग का मतलब होता है स्पीच, तो सेम वही चीज़ है कि अ टॉक ऑन ट्रैवल इज कॉल्ड ट्रैवलॉग। कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि इट इज़ द टॉक ऑन ट्रैवल और पीस ऑफ राइटिंग अबाउट ट्रैवल। एक्चुअल मीनिंग तो ट्रैवलॉग का मतलब होता है ट्रैवल के ऊपर स्पीच देना, लेक्चर करना, ठीक है। लेकिन आजकल जो है हम ट्रैवलॉग को हम लिखित रूप में, राइटिंग फॉर्म में भी हम ट्रैवलॉग को यूज़ करते हैं, मतलब कि इट मे बी पार्ट एज बुक और नॉवेल राइटिंग, या फिर आप ये कहिए कि मे बी नरेटेड इन फिल्म, वीडियो या व्लॉगिंग। आजकल व्लॉगिंग भी होती है, मतलब वीडियो व्लॉगिंग करते हैं, तो उसके थ्रो से भी आप ट्रैवलॉग को दिखा सकते हैं और इस तरह से आप पेश कर सकते हैं लोगों के सामने में, वो ट्रैवलॉग कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा लिटरेचर में देख लेते हैं ट्रैवलॉग क्या है। देखिए लिटरेचर में ट्रैवलॉग जो है एक ट्रूथफुल डिस्क्रिप्शन है या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, जो लिखा भी जाता है, बोला भी जाता है, स्पीच दिया जाता है, लेक्चर दिया जाता है किसी ट्रैवलर के द्वारा, मतलब उन्होंने सफ़र में जो तजुर्बा हासिल किया, जो जो उन्होंने देखा, जो जो पाया, उस चीज़ के बारे में फैक्चुअल राइटिंग है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप इसको हिस्ट्री के कैटेगरी में भी ले सकते हैं। अगर पुराने ट्रैवलॉग हैं तो वो हिस्ट्री के कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि ये नॉन फिक्शन होता है, मतलब इसमें फिक्शन नहीं होता, मतलब इसमें कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जाता है। कुछ चीज़ें होती है जो स्टाइल होता है किसी का लिखने का, पेश करने का, वो चीज़ ऐड किया जाता सकता है। तो मतलब कि इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन फिक्शन जेनरा, मतलब नॉन फिक्शन जेनरा के टाइप में आता है, जो डीलिंग विथ नेचर राइटिंग। नेचर का मतलब होता है जो कुदरती या प्राकृतिक चीज़ें हैं उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं। एडवेंचर राइटिंग, जो कुछ मुश्किलात पेश आए हैं रास्ते में उसको पेश करते हैं। या एक्सप्लोरेशन राइटिंग, मतलब कुछ नई चीज़ें वहाँ पर दिखाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए आप एग्जांपल से समझिए कि एक ट्रिप आपने आगरा के लिए तय किया ताजमहल देखने के लिए, तो आप एक नोट बना सकते हैं और उसमें लिखते जा सकते हैं कि सारे जो चीज़ें हैं, आप कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और कब पहुँचे और क्या क्या रास्ते में क्या क्या मिला, क्या था वहाँ का आर्ट और कल्चर, क्या है लोग कैसे रहते हैं उस शहर के, और ताजमहल को कब बनवाया, किसने बनाया, सारी चीज़ें आप लिख करके एक बुक फॉर्म में पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रैवलॉग। देखिए मकसद क्या होता है ट्रैवलॉग लिखने का। ट्रैवलॉग लिखने का मकसद ये होता है कि किस कहाँ पर लोग, कौन सा लोकेशन है, कहाँ पर पड़ा है, वो सारी डिटेल देना, और ये नई जगह या लोग और उनके आइडियाज़, आर्ट और कल्चर को इंट्रोड्यूस करना होता है, और रीडर्स और व्यूअर्स जो होते हैं उसको गाइड करते हैं कि अगर वो उसी ट्रिप पर जाना चाहता है तो वो किस तरह से वहाँ पर पहुँचे, ताकि आसानी से वहाँ पहुँच जाए। ट्रैवलॉग का ये मतलब होता है। फाइनल एग्जांपल देख लीजिए कि इनोसेंट्स अब्रोड, और या फिर आप ये बोलिए द न्यू पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये जो है ट्रैवलॉग है या ट्रैवल बुक है, लिखा था अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन के द्वारा, जिसको पब्लिश किया गया था 1869 में। और प्राइमरी मैसेज जो है इस ट्रैवलॉग में यह है कि किस तरह से उन्होंने नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर किया, मतलब कि ट्वेन
experienced exploration of different trends and cultures and presented in the form of book. मतलब इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीजें पाया, उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया इस बुक में, और लोगों को जो पाया है तो इसी के नाम पे पढ़ा, द इनोसेंट्स अब्रोड, मतलब मासूम लोग थे और लोग उसको पार्शलिटी करते हैं, उनके साथ में भेदभाव करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपने ट्रैवलॉग को हिंदी और इंग्लिश में एग्जांपल के साथ में लिटरेचर में और लिटरेचर से हट करके भी अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़ लाइक दिस।